गुड आफ्टरनून सर. लास्ट टाइम कितना किया था हमने? पी ब्लॉक. अरे पी ब्लॉक में कहां तक किया था? टॉपिक बताओ सर. वो आल्कोसा हेड्रल वाली चीज आपने बताई थी, वो डायग्राम था, फिर उसके नीचे प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस कराए थे. यूजेस ऑफ बोरोन किया था ना लास्ट? हाँ हाँ. ठीक है चलो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. एक सेकेंड रुकना. एक मिनट रुकना है ना. एडिशन सर. बोलो सर. आप एस ब्लॉक का गैजम अभी डिस्कस करोगे कि डाउट लेक्चर में? डाउट लेक्चर में करूंगा. जो 6 to 8 वाला है ना, तुम्हारा जब भी होगा तभी करूंगा. ठीक है, अलग अलग सेंटर्स का अलग अलग टाइम होता है. ठीक है. So let us start with the next compound. We'll do the preparation and properties of boric acid. Okay? So with the preparation and properties of boric acid. अभी share कर रहा हूँ मैं, अभी दिखेगा screen. ठीक है. Now the screen is visible to all. Yes, yes, sir. Boric acid or orthoboric acid H3BO3. It is prepared by acidification of borax. ठीक है. तो ये वाला रिएक्शन हमने बोरोन के एक्सट्रैक्शन में भी देखा था, जहां पे बोरेक्स को पहले एसिडिफाई करते हैं, बोरिक एसिड बनाते हैं. तो बोरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड इन वन ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरेक्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन. द मेथड इज एसिडिफिकेशन ऑफ बोरेक्स विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड. इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर ओर ऑफ बोरोन, दैट इज कोलेमोनाइट. कोलेमोनाइट सोल्यूशन से जब SO2 गैस पास करते हैं, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CaHSO3 होल ट्वाइस एंड बोरिक एसिड. These are the two methods, different methods of preparation of boric acid. Next, we'll discuss properties. Talking about properties, it is a weak monobasic Lewis acid. Monobasic acid, because per molecule of boric acid, we get only 1H+. Therefore, it is a monobasic acid. Lewis acid, because it is not a proton donor, it does not donate H+ ions, but rather it can accept an electron pair. So when reacts with water, it causes dissociation of water molecule into H+ and OH-, and the OH- gets bonded to H3BO3. OH- donates its electron pair, gets bonded to H3BO3, forming BOH-4-, and H+ ions are released. Effectively, it's not the H3BO3 molecule which releases H+. H+ is released from H2O. Effectively, only one H+ is produced from one H3BO3 molecule. Therefore, it is a monobasic acid. And it is a Lewis acid, not a protonic acid. Okay? It is found to be very less soluble in cold water, but highly soluble in hot water. The reason for this is, H3BO3 molecules are held close to each other, are bonded to each other by strong hydrogen bonds, which are difficult to break at low temperatures. On heating, those hydrogen bonds rather break easily, and boric acid gets dissolved in water. Okay? Note color your point. H3BO3 का स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है. H3BO3 एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इन विच बोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल सिमेट्री. इट हैज अ हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर जो मैं नेक्स्ट पेज में ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगा. इतना नोट कर लो पहले. क्लियर है ये पॉइंट्स? सर वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर का क्या पॉइंट था? देख, कोल्ड वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है, क्योंकि बोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर एक्सटेंसिवली लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, उन लिंक्स को ब्रेक करना डिफिकल्ट है. बट थोड़ा बहुत हीट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और फिर बोरिक एसिड मॉलिक्यूल वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे.
इट विल रिजल्ट इन वेरी हाई सॉल्युबिलिटी. तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है. बट थोड़ा बहुत हीट करने से बोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन वेरी हाई सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर. ठीक है, समझा क्या? हाँ सर. यस सर, जब हम BOH2O करते हैं तभी मतलब BOH4 में कितने OH ये रहते हैं? मतलब BOH3 में 3 OH है, एक और OH2O से आ जाएगा. अच्छा ओके हाँ हाँ एक और OH2O से आ जाएगा. सर वो जो सेकेंड रिएक्शन लिख रहा है उसमें CaHSO3 the whole twice. Calcium hydrogen sulfide. ठीक है, CaHSO3 whole twice. टर्न करूं पेज? यस सर. यस सर. यस सर. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3BO3 इन द सॉलिड स्टेट. द H3BO3 मॉलिक्यूल्स आर इंटरलिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल सिमेट्री. ठीक है, ये मैं अलग से ड्रॉ करके एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, देखो ध्यान से.
H3BO3 molecules are arranged in a hexagonal layered structure. Let us understand this structure. इसको कैसे draw करना है मैं explain करता हूँ. Draw six oxygen atoms at the six corners of a regular hexagon. ये पहले छह oxygen atoms ऐसे draw कर लो. Then on each oxygen, we'll draw boron atoms. Each oxygen will draw boron atoms. और बोरोन पे ऐसे रिमेनिंग ऑक्सीजन एटम्स ड्रॉ कर लेंगे. बोरोन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. बोरोन पे ऐसे रिमेनिंग ऑक्सीजन एटम्स ड्रॉ कर लेंगे. Once we have drawn the H3BO3 units, now on each oxygen, we'll draw the hydrogen atoms. If I say draw them, OH, OH, and OH. The hydrogen and oxygen atoms are interconnected by hydrogen bonds. OH, OH, and OH. The oxygen atoms of two different H3BO3 units are interlinked by hydrogen bond. These dotted lines represent hydrogen bond. आ रहा है समझ में स्ट्रक्चर? यस सर. यस सर. यस सर. ड्रॉ कर लो. एक बार वापस से प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूं. मैं सेम डायग्राम उधर बनाया मैंने. इफेक्टिवली ईच H3BO3 मॉलिक्यूल, देयर आर सिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन ईच H3BO3 मॉलिक्यूल. थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्रॉम द थ्री हाइड्रोजन एटम्स एंड थ्री फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम्स. वी कैन राइट दिस पॉइंट, देयर आर सिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स for H3BO3 molecule. From each H3BO3 molecule. We can think of BO3 3 minus units interconnected by hydrogen atoms. One hydrogen OH bond is the covalent bond, other oxygen hydrogen bond is the hydrogen bond. Because of this hexagonal layered structure, boric acid, solid boric acid, is often used as lubricant. It is used as a lubricant. The powdered boric acid, powdered boric powder, is used as a lubricant in the surface of carambolas. Carambolas mein, ठीक है, हम एक बोरिक पाउडर हमेशा स्प्रे करते हैं कैरमबोर्ड खेलने के टाइम. इट हेल्प्स टू लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द कैरमबोर्ड. ठीक है, क्लियर है ये? जल्दी से ड्रॉ कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं.
not talking about the acidic strength of boric acid. Boric acid is a weak acid, but it is found that the anions formed from ionization of boric acid, BOH44-, forms a very stable complex with diols or polyhydroxy compounds. Okay. Polyhydroxy compounds, which have two OH groups on the same side, cis diols, they form a very stable complex with BOH44-. They form a chelate complex with BOH44-. Okay. And formation of this chelate complex decreases the concentration of BOH44-, and decrease in concentration of BOH44- increases the ionization. ये देखो next page में थोड़ा सा explain किया मैंने. Next page एक बार turn करके दिखा देता हूँ, फिर note कर लेना. BOH thrice ionizes to give BOH44- and H plus. The BOH44- forms a stable complex. BOH44- forms a stable complex with cis diol. Concentration of BOH44- decreases. Ionization will shift in the forward direction. Concentration of H plus will increase. Acidic strength will increase. ये point पीछे लिखा है मैंने. In presence of cis diols, the acidic strength of boric acid increases. Clear है ये point? ठीक है, नोट कर लो ये जल्दी से. सर वो रीजन वापस बता सकते हो कि बोरिक एसिड क्यों अच्छा लुब्रिकेंट है? इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स, तो इंपैक्ट पे थोड़ा बहुत फोर्स लगाने पे बॉन्ड्स अचानक से ब्रेक हो सकते हैं, तो लेयर्स कैन स्लिप ओवर ईच अदर. ठीक है, इट रिजल्ट्स इन सम लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज. इट्स अ सॉलिड लुब्रिकेंट. ठीक है, ग्रेफाइट की तरह, जैसे पाउडर्ड ग्रेफाइट इज ऑल्सो हैविंग सम लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज. पेज टर्न करूं, ठीक है, हो गया ना सबका? टर्न कर रहा हूं पेज अभी. ये पॉइंट देखो, अभी लिखा है तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंस ऑफ सिस डायोल्स फॉर्म्स अ स्टेबल चिलेट कॉम्प्लेक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH44- डिक्रीजेस, ionization of H3BO3 shifts in the forward direction, acidic strength increases. Okay. Some examples of cis diols which increase the acidic strength are catechol, salicylic acid, mannitol, ethylene glycol, etc. Catechol is benzene 1,2 diol, salicylic acid is 2-hydroxybenzoic acid, mannitol is hexane, okay? Hexaol, hexane, hexaol, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexaol. They have 6 hydroxyl groups. Definitely, we can have 2 OH groups that can form complex with BOH44-, even ethylene glycol. So all these compounds are often used, and they are mixed with boric acid. When mixed with boric acid, they will result in increase in acidic strength of boric acid and make it a strong acid. Okay, clear your point? नेक्स्ट पॉइंट में मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड डिस्कस किया है. बोरिक एसिड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स B2O3. ये हमने बोरोन के एक्सट्रैक्शन में ये रिएक्शन डिस्कस किया था. यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट स्टेप्स में क्या क्या बनता है वो दिखाया है. देखो, बोरिक एसिड को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, इट फॉर्म्स मेटाबोरिक एसिड. ऑन फर्दर हीटिंग एट अराउंड 160 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स टेट्राबोरिक एसिड, विच ऑन हीटिंग अबव 200 डिग्री सेल्सियस गिव्स बोरिक एनहाइड्राइड. ठीक है, and then 6 is reaction with HF. H3BO3 reacts with HF to form HBF4, which is a strong acid. HBF4 is called as fluoboric acid and it is a strong acid. Note कर लो ये सब जल्दी से.
टर्न करूं पेज सर एक मिनट सर दे सर ये सब रिएक्शन भी रटना है ना लाइक इसका याद करना है ये सर यस सर वो जो एच बी एफ फोर में जो एच है वो एच एफ से आता है या वो बी ओ एच थ्री का ही रहता है पहले से नहीं नहीं वो एच एफ का है एच एफ का अच्छा हाँ ठीक है एक्चुअली पहले एच थ्री बनता है फिर बी एफ थ्री और एच एफ कंबाइन करके एच बी एफ फोर बनता है
हाँ सर समझा, ठीक है यस सर। डन करूं अभी? यस सर। No, this is test of borate radicals or test of borate ions. Borate ions, when heated with concentrated H2SO4, कोई भी borate salt है, ठीक है, इसको concentrated H2SO4 में heat करेंगे, it gives white fumes. ठीक है, white fumes of H3BO3 is obtained. When heated with ethanol, we get vapors of triethyl borate, which burns with a green edged flame. ठीक है, vapors of triethyl borate when brought in contact with the flame, flame becomes green. Okay, the flame, edge of the flame becomes greenish. So it is a conformity test for borate radicals. Salt analysis maybe we will discuss this. Borate radicals ko discuss karne ke, detect karne ke liye kisi salt mein borate radical present hai ki nahi, we can carry out this test. Okay, on heating with concentrated H2SO4 and ethanol, a gas will be evolved which burns with a green edged flame. This is a conformity test for borate ions present in a salt. Clear hai ye? Now, next I have summarized some uses of boric acid. Boric acid is used as an antiseptic and a disinfectant. It has a medicinal uses. It is used in eye drops, eye washes. It is also used in glass enamel and pottery industry. Okay. Note kar lo ye sab, then we'll discuss about borax. अरे ऐसे और कितने कंपाउंड्स हैं बोरिन के? बोरेक्स के बाद डाई बोरिन करेंगे। ओके। H3BO3 गैस इज नॉट पास थ्रू एनी कंपाउंड। ठीक है, बोरेट रेडिकल में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे और साथ ही साथ इथेनॉल ऐड करके हीट करते हैं। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स ऑफ ट्राईथाइल बोरेट। जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हैं, जब उससे वेपर्स निकलेंगे, फिर उन वेपर्स को टेस्ट ट्यूब इज ब्रॉट नियर द, ठीक है, flame, the mouth of the test tube is brought near the flame becomes greenish. Clear hai ye? Yes, sir. एक मिनट रुकना।
सर सी ए टू वो वाला कोल है ना ग्लास एनामेल एंड पॉटरी इंडस्ट्री ग्लास एनामेल एंड पॉटरी इंडस्ट्री एनामेल जनरली यूटेंसिल्स और ये ग्लास यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज करते हैं सब तो बोरोसिल ग्लासेस पाइरेक्स ग्लासेस हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस ये सब बनाने के लिए यूज करते हैं इवन बोरेक्स इज यूज फॉर द सेम पर्पसेस ठीक है क्लियर है ये नॉट टॉकिंग अबाउट बोरेक्स प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स Borax is a naturally occurring mineral. It occurs as it is in the nature. It can also be prepared from colemanite. Colemanite se preparation ka reaction niche likha hai. Ye colemanite, when sodium carbonate is passed through colemanite, we get a precipitate of calcium carbonate along with mixture of borax and sodium metaborate. When further CO2 gas is passed through it, okay, the sodium metaborate is also converted to borax. Borax being less soluble than sodium carbonate can be separated on cooling the solution. So sodium carbonate और borax को separate करने के लिए solution का temperature कम करेंगे. Borax low temperatures पे कम soluble होता है. Borax will separate out as precipitate. ठीक है? Clear है ये preparation method? Yes. Yes. ठीक है? Note कर लिया? No sir. हाँ sir. टर्न करूं पेज यस सर बोरेक्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोरिक एसिड बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन बोरिक एसिड सॉल्यूशन व्हेन Na2CO3 इज एडेड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ बोरेक्स सॉल्यूशन ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स इफ यू स्टडी इट इज अ वाइट पाउडर And similar to H3BO3, it is less soluble in cold water, sparingly soluble in cold water, but appreciably soluble in hot water. And it is better represented as Na2B4O5OH4.8H2O. You will draw the structure of an ion of borax. It consists of 4 boron, 5 oxygen and 4 OH groups having bonding as given in the structure. Okay. 4 boron atoms hain, aapas mein 4 oxygen atoms se interconnected hain. Two boron atoms are also connected by one more oxygen, so we get B4O5, and each boron is bonded to one OH. There are two different types of boron atoms. Two boron atoms are sp2 hybridized, and two boron atoms are sp3 hybridized in the borax. The borax contains boron in both sp2 and sp3 hybridization. Two boron atoms in sp2, two boron atoms in sp3. Okay, clear hai ye? Sir, bolo. सर जब हम बोरेक्स से बोरिक एसिड बनाते हैं या फिर बोरिक एसिड से बोरेक्स बनाते हैं तब रिवर्सिबिलिटी नहीं आती मतलब दोनों रिएक्शन फिजिबल है ना देखा जाए तो डेफिनेटली दोनों ही फिजिबल है अभी जैसे ये वाला रिएक्शन देखो H3BO3 plus Na2CO3 हां क्या CO2 इवॉल्व हो रहा है तो CO2 सेपरेट करते जाओ वी कैन एक्सट्रैक्ट बोरेक्स ओके हां इक्विलिब्रियम कंट्रोल करना पड़ेगा रिएक्शन कंडीशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं हां ठीक है सर ठीक है
सर वो स्ट्रक्चर ऑफ एन आयन है कि अनायन मतलब एनायन एनायन द नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन बोरेक्स कोलेमोनाइट के एनायन का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है जो नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करूंगा मैं टर्न करूं पेज यस Similar is the structure of anion of colemanite. It has one less boron, one less oxygen, and one less OH. Anion of borax was B4O5OH whole 4. This is B3O4OH whole 3. B3O4OH whole thrice. Total 3 boron atoms are there, out of which 1 boron is sp2 and 2 boron atoms are sp3. Boron atoms are interlinked by oxygen. 3 boron atoms are interlinked by 3 oxygen. There is one more oxygen linking 2 more boron atoms. Okay. The boron atoms bonded to 4 bonds have a formal negative charge are sp3 hybridized and the boron bonded to 3 bonds is sp2 hybridized. Okay. Clear hai ye? Anion of colemanite. Okay. Note kar lo ye point. Next, we'll do the property of solution of borax. Solution of borax is found to be alkaline and it acts as a buffer solution. Okay. Borax, when dissolved in water, gives a mixture of H3BO3 and NaOH. H3BO3 and NaOH will react to form a salt. The salt can be represented as NaBOH whole 4. Okay. So net reaction, agar likhenge,
It first forms 4H3BO3 plus 2NaOH, and out of 4H3BO3, 2H3BO3 will react with 2NaOH to form 2NaBOH whole 4. Effectively, solution of borax contains an equimolar mixture of a weak acid and its salt with a strong base. So a mixture of weak acid and its salt with a strong base acts as a buffer solution. The solution of borax is a good buffer. Okay. And 1 mole of borax produces 2 moles of NaOH. Therefore, it consumes 2 moles of H plus during titration with a strong acid. 1 mole of borax effectively consumes 2 moles of strong acid on titration with a strong acid. Okay. Clear? Yes. नोट कर लो. एक मिनट रुकना है ना. टर्न करूं पेज? ओके. सर हो गया. Another important application of borax is in the borax bead test, which we use to detect transition metals in their salts. It is used for the detection of transition metal ions. The principle is transition metal ions generally form colored salts. So borax, when heated, it forms a transparent glass-like bead, which is a mixture of sodium metaborate and boric anhydride. NaBO2 and B2O3, it forms a transparent clear glass-like bead. Colorless transparent beads are formed. These beads, when heated in presence of transition metal salts, formed colored metaborates of transition metal ions. And from the color, we detect the different metal ions. Two examples here I have written. Copper forms a blue colored bead. Chromium forms a green colored bead. Similarly, different metal ions will give different colors. Sometimes one metal can form different colors in oxidizing and reducing flame. Flame ke do different parts hote hain. Flame mein the outer part appears bluish. The central part appears yellowish.
जो येलोइश पार्ट ऑफ फ्लेम होता है उसको हम रेड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं, जो आउटर पार्ट है उसको ब्लूइश फ्लेम बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का सॉल्ट बनेगा या मेटाबोरेट बनेगा, और रेड्यूसिंग फ्लेम में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटाबोरेट बनता है। दो अलग अलग कलर्स भी आ सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें ऑब्जर्वेशन हम डिटेल्स में सॉल्ट एनालिसिस में कवर करेंगे। यहाँ पे बस मैंने दो मेटल्स के लिए लिखा है, और भी कुछ मेटल्स के लिए और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अलग अलग कलर्स, दैट विल डिस्कस इन सॉल्ट एनालिसिस। बट प्रिंसिपल है यहाँ पे कि बोरैक्स ऑन हीटिंग फॉर्म सोडियम मेटाबोरेट, एंड सोडियम मेटाबोरेट व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स विल फॉर्म ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट, जैसे कॉपर मेटाबोरेट, क्रोमियम मेटाबोरेट। इन मेटाबोरेट्स का अलग अलग कलर आता है, और फ्रॉम द कलर ऑफ द बीड ऑब्टेन्ड विल डिटेक्ट द डिफरेंट मेटल आयंस। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। फिर कुछ यूजेस बोरैक्स के समराइज किए हमने, यूजेस ऑफ बोरैक्स। ठीक, इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन ऑल प्लेसेस वेयर H3BO3 कैन बी यूज्ड, बिकॉज बोरैक्स इज अ सॉल्ट ऑफ H3BO3। तो बोरैक्स कैन बी आल्सो यूज्ड इन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। बोरैक्स इज आल्सो यूज्ड इन ग्लास इनामेल एंड पॉटरी इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन बोरोसिलिकेट ग्लासेस एंड पायरेक्स ग्लासेस। ये भी लिख लो, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन पायरेक्स ग्लासेस। लिख लेते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास एंड पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास इज हीट रेजिस्टेंट ग्लास। इट इज यूज्ड एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग ऑफ मेटल्स एंड ऑल्सो यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। गोल्ड के प्यूरिफिकेशन के लिए, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम बोरेक्स का यूज करते हैं। बोरेक्स कैसे गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं, दैट विल डिस्कस इन मेटलर्जी। बट बोरेक्स इज यूज एज अ फ्लक्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड ऑल्सो। सो व्हाट इज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग? देखो, फ्लक्स जनरली क्या होता है, फ्लक्स इज अ सब्सटेंस डिलीबरेटली एडेड, ठीक है, विच हेल्प्स इन रिमूविंग सम इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो वेल्डिंग के लिए फ्लक्स का दूसरा पर्पज है। फ्लक्स जनरली ऐड करके हम मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं। तो वेल्डिंग करना है मतलब मेटल्स को अटैच करना, दो मेटल ब्रोकन पीस ऑफ मेटल है और उसको जोड़ना है। उसको जोड़ने के लिए, ठीक है, हम उसको मेल्ट करें, और मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो थोड़ा बहुत हम फ्लक्स ऐड करते हैं। फ्लक्स मेटल्स के साथ मिक्स करके उनके लैटिस में कुछ रीअरेंजमेंट करता है जो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, और उसके बाद फिर आसानी से मेल्ट होकर फिर वो जुड़ जाता है। सर, आप एंड में थोड़े एस ब्लॉक के डाउट्स लोगे, क्योंकि टुमारो टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, 15 मिनट। ओके, ले लूंगा भाई। लास्ट 15 मिनट्स में एस ब्लॉक के डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, जिनको पूछना है रुक जाना, लास्ट 15 मिनट्स में ऐसे लॉकेट आउट कर देना। ठीक है, नोट कर लो ये। सर, अब तक मतलब ऐसे फिर भी मतलब ऐसे थोड़ा डाउट है कि इन लोग इनऑर्गेनिक में सिर्फ जैसे ऑर्गेनिक में नए क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे इनऑर्गेनिक में दे कैन नॉट आस्क न्यू थिंग्स ना, जो भी फैक्ट्स बुक में है वही पूछ सकते हैं ना। वो पूछ क्या पूछ सकते हैं, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। मैं बस इतना हम लोग अश्योर कर सकते हैं कि 90% क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, एक या दो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं। मेरी बात सुन, पहले तो इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन आएंगे वो सोचते हैं। ठीक है, अगर जे एडवांस की बात करेंगे तो 20-40 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के अराउंड 13-14 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आएंगे। उसमें से एक या दो क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऑलमोस्ट हर बार आता है, जिसके बारे में कहीं कुछ नहीं पढ़ा हो। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि एक या दो क्वेश्चन ऐसा आएगा, बट उस एक दो क्वेश्चन को कवर करने के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कवर करना पड़ता है। देयर इज नो एंड टू दैट। ठीक है, हम एज मच एज पॉसिबल कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी लक अच्छा रहा तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ओकेजनली हर 2-3 साल में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो पहले कभी कहीं कवर नहीं किया गया है या किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए उतना ज्यादा बॉदर्ड नहीं होना है। वो क्वेश्चन छोड़ने लायक वालों में से होता है। यस यस डेफिनेटली। ओके,
ठीक है, तो ऐसे मैक्सिमम मार्क्स देखोगे ना तो मैथ्स वगैरह में फुल मार्क्स आते भी हैं टॉपर्स के, बट केमिस्ट्री में फुल मार्क्स नहीं आते, बहुत डिफिकल्ट है केमिस्ट्री में फुल मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी कभी अटक जाता है जिसमें थोड़ा बहुत मतलब कंट्रोवर्सी भी रहता है, तो उसमें जेई ने कुछ आंसर पब्लिश किया, लॉजिकली कुछ और आंसर आता है, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एक दो आते ही हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बॉदर नहीं होना है, अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है कि जितना पढ़ाया नोट्स में और एनसीईआरटी, वैसे एनसीईआरटी में कवर कर रहा हूँ पूरा नोट्स में, बट स्टिल मैं एडवाइस करता हूँ कि एक बार एनसीईआरटी रीड करना चाहिए। okay. तुम लोगों के लिए एचएससी का जो टेक्स्ट बुक है ना, दैट इज अ सुपर सेट ऑफ एनसीईआरटी, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में एचएससी के टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर्ड है और ज्यादा ही दिया है, कम तो नहीं दिया है, तो बोर्ड्स के लिए तो एचएससी का बुक करना ही करना है, ठीक है, तो वो बुक भी थॉरली करोगे ना तो हो जाएगा, ट्वेल्थ वाले चैप्टर्स तो हो जाएंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स में तो एचएससी की बुक में ज्यादा दिया है, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कुछ पॉइंट्स एचएससी में कम दिया है, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो ज्यादा ही दिया है एचएससी की बुक में एनसीईआरटी से, ठीक है, क्लियर है ये? हाँ, नोट कर लिया सबने? एक मिनट सर, लास्ट पॉइंट सर। ओके, सर तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़े या एचएससी? फिर एचएससी करो, ट्वेल्थ के टॉप चैप्टर्स के लिए एचएससी करो, ठीक है, ये जो बोरोन एंड कार्बन फैमिली है वो ट्वेल्थ में नहीं है, इलेवेंथ में, ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ो इसके लिए, बुकलेट करने का डीके जायसवाल करनी है कि बुकलेट के, यस यस, देख 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 मैंने बताया था, पहले भी समझाया था कि जरूरी नहीं है कि अभी चैप्टर खत्म हुआ तो अभी ही करना है डीके जायसवाल, बाद में जब ड्यू कोर्स बाद में रिवाइज करोगे तभी करना है, ठीक है, फिर एक और बार रिवाइज करोगे तभी करना है, क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस में तो टाइम है ना अभी, एक बार अभी कर लिया, फिर एक बार जनवरी के टाइम कर लोगे, फिर एक बार फिर मार्च अप्रैल के टाइम कर लोगे, तो एंड एंड तक ऑलमोस्ट सब कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा अभी सॉल्व करना है। ओके, हो गया सर। मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, एडवाइजेबल मिनिमम बुकलेट और एनसीईआरटी रिक्वायर्ड है प्लस वन मोर बुक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है ना, तो जब वीके जायसवाल सॉल्व करोगे तो दो तीन पॉइंट्स एक्स्ट्रा तो सीखोगे, वो दो तीन पॉइंट्स कभी कभी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, एंड इट्स नॉट दैट कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से आते हैं, खुशी इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है, जेई पेपर मोर लेस बैलेंस्ड होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वली आता है फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है बट ऑलमोस्ट इक्वल आता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो अगर जेई एडवांस की बात करेंगे तो 13-14 क्वेश्चन ऐसे सबसे आएंगे, 13 ऑर्गेनिक का, 13 फिजिकल का, 13 इनऑर्गेनिक ऐसे, और इवन इन जेई मेन्स टोटल 25 क्वेश्चन, पहले 30 होते थे बट अब तो 25 हो गए, तो 8-9 क्वेश्चन सबसे आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर इनऑर्गेनिक के लिए बुकलेट की थ्योरी कैसी है? गुड, बुकलेट की थ्योरी अच्छी है, बट तुम फिर भी जब वीके जायसवाल सॉल्व करने जाओगे ना तो एक दो ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो ना बुकलेट में दिया है ना कहीं नोट्स में मिला है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन जब भी नोट्स बनाते हो ना तो लास्ट में दो तीन पेज छोड़ना, व्हेन यू सॉल्व समथिंग और पेज के जब टेस्ट होंगे, जब बाद में मॉक टेस्ट और रिविजन टेस्ट होंगे, हम फिर बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स तुम लोग से करवाते हैं, ठीक है, नारायणा चैतन्या के मतलब अच्छे अच्छे टेस्ट पेपर्स कराएंगे, तो उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन ड्यू कोर्स तुम्हें मिलता रहेगा, तो लास्ट दो तीन पेज छोड़ के रखो, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करते जाना,
ठीक है, और इन टेस्ट पेपर्स के थ्रू, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन और तुम्हें सीखने को मिलेंगे जो ऐड करना है अपने को नोट्स में, ठीक है। बट देयर इज नो अदर वे टू लर्न दोज इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, कौन सा इन्फॉर्मेशन रखना है कौन सा नहीं रखना है, देयर इज नो बाउंड्री टू दैट, ठीक है। जेई ने ऐसा कोई बाउंड्री सेट नहीं किया है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है जिसका कोई प्रेस्क्राइब्ड मतलब वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है। अभी कंपाउंड्स ऑफ बोरोन है, अभी कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में तो बहुत सारे कंपाउंड्स आ सकते हैं, हम मेनली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? बेस्ट मेथड इज कि थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करो अपने आप को, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मिनिमम करना है, उसके बाद ठीक है सॉल्विंग करते करते, सॉल्व करते करते वी लर्न न्यू थिंग्स और उसको समराइज करना है, ठीक है। अभी टर्न कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज डाइबोरेन, डाइबोरेन का प्रिपरेशन मेथड। इसमें 6 डिफरेंट रिएक्शंस लिखा है मैंने, इसमें देखो 2 फोर्थ रिएक्शन और 6th रिएक्शन इज यूजिंग NaBH4, ऑल अदर रिएक्शंस आर यूजिंग बोरोन हैलाइड्स BF3 और BCl3। बोरोन हैलाइड्स के रिडक्शन से B2H6 बनाते, तो मेजर मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ बोरोन हैलाइड बाय यूजिंग आइदर हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। By reducing boron halides with hydrides or hydrogen, we get B2H6. Okay. The industrial method is the fifth method. Fifth method, as I highlight, kar sakte, it is the industrial or the commercial method. Okay. This is the commercial method of preparation of B2H6. Okay. The other two methods are using NaBH4, in which acidification of NaBH4 produces B2H6. And also oxidation of NaBH4 by iodine produces B2H6. Clear है ये? These are the methods of preparation of diborane. वैसे याद करना आसान है कि BF3 या BCl3 boron halides के reduction से B2H6 बनता है. And we can use either hydrides, metal hydrides, or we can use hydrogen gas for reduction. Not talking about properties. Properties, it is a colorless and highly combustible gas. It is an electron deficient compound and easily reacts with Lewis bases. ठीक है? Page turn करूँ क्या? So do. कर लो जल्दी.
सर BH3 B2H6 में एग्जिस्ट करता है ना? सही है, BH3 आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट एज B2H6 ओनली। तो कहीं कहीं अगर BH3 लिखा है तो बाय डिफॉल्ट इट रेफर्स टू B2H6। ऑर्गेनिक में हाइड्रोबोरेशन यूज करते हैं B2H6, तो कहीं कहीं BH3 भी लिखा रह सकता है B2H6 की जगह, बट एक्चुअली BH3 इज एग्जिस्टिंग एज B2H6 ओनली। टर्न करो पेज अभी। यस सर। यस सर। यस। Combustion of B2H6 is highly exothermic, and because of its high calorific value is calories of heat released per gram. So calories per gram is very high. It can be used as a rocket fuel. Okay. Combustion reaction is straightforward. It burns in oxygen to give B2O3 and H2O. The delta H is around 2160 kilojoules per mole. And it can be used as a rocket fuel because of its very light weight also. Diborane is a very light gas. It is easier to carry and it is highly combustible. It produces a large amount of heat on combustion. Looking at the structure of diborane, okay, we have already discussed this structure in chemical bonding. It has banana bonds. Okay. B2H6 has six hydrogen atoms, out of which we can classify two of them as bridging hydrogen atoms and remaining four as terminal hydrogen atoms. Bridging hydrogen atoms form a link or bridge between two boron atoms by three-centered two-electron bond. There are four normal covalent bonds, four 2C2E bonds, and there are two 3C2E bonds. There are two banana bonds. The angles between the banana bonds is lesser than the angles between the normal covalent bond. The theta is greater than phi. This is due to greater electron density in the normal covalent bonds than the banana bonds. More electron density, more repulsion. As a result, value of theta is greater than phi. So these are some important points related to the structure of B2H6. Both boron atoms are sp3 hybridized. It is not a planar molecule. We can think of all the four terminal hydrogen atoms and the two boron atoms in one plane, the bridging hydrogen atoms above and below that plane. Okay, clear a structure? Another important point regarding B2H6 is the bond energy of the 3C2E bond, the entire 3C2E bond, is more than the bond energy of a single 2C2E bond. It doesn't mean that banana bonds are stronger than
normal covalent bonds. Because effectively, one banana bond incorporates two boron hydrogen bonds. This is one banana bond. One banana bond, there are two. In one banana bond, we have effectively two BH bonds. So there are two BH bonds in one banana bond. Although the total bond energy is more, but per BH bond, the bond energy is less. Per BH bond energy is less. As a result, it requires lesser energy to break the BH bonds in a banana bond. Per BH bond, less energy is required. Overall, we say that the banana bonds are weaker than the normal covalent bond. They are longer and weaker than the normal covalent. Clear ये point? Yes sir. ठीक है, note कर लो. थीटा क्यों ग्रेटर देन फाइव, एक बार बताने को. एक मिनट रुकना, ठीक है, एक मिनट रुकना.
हाँ बोल भाई, क्या बोल रहा था बुबरत सर? थीटा ग्रेटर देन फाई क्यों है वो बताना है। थीटा ग्रेटर देन फाई, देखो ये जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन 2c2e बॉन्ड्स, 2c2e बॉन्ड्स, और दिस इज द एंगल बिटवीन 3c2e बॉन्ड्स। फाई इज द एंगल बिटवीन 3c2e बॉन्ड्स। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल कम आएगा, और 2c2e बॉन्ड्स में रिपल्शन ज्यादा है तो थीटा का वैल्यू ज्यादा आएगा। ठीक है, समझा? अभी टर्न कर रहा हूं मैं B2H6 रिएक्शन विथ वॉटर, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोबोरिक एसिड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन इट प्रोड्यूसेस HCl, ऑन रिएक्शन विथ HCl इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देन रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है, बेसिस के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन और टर्शरी अमाइंस के साथ रिएक्शन डिफरेंट है। देखो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर जो रिएक्शन लिखा है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन लिखा है, और इसके नीचे जो रिएक्शन लिखा है वो टर्शरी अमाइंस के साथ रिएक्शन लिखा है, दोनों डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एक मिनट रुकना, अमोनिया के साथ रिएक्शन और टर्शरी अमाइंस के साथ रिएक्शन। देखो अमोनिया के साथ B2H6 दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, बट इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स अनसिमेट्रिकली, एक पार्ट पे दो हाइड्रोजन जाता है, दूसरे पार्ट पे चार हाइड्रोजन जाता है, तो B2H6 gets divided as BH2 and BH4, whereas in presence of tertiary amines it gets divided symmetrically into two different BH3 units. So B2H6 gives symmetrical and unsymmetrical breaking in presence of different bases. Generally ammonia and smaller amines, the less bulky amines, give unsymmetrical breaking of B2H6, whereas tertiary amines and other bulky amines give symmetrical breaking of B2H6. Important hai ye point, theek hai? So direct questions aata hai, which of the following bases will give symmetrical breaking of B2H6, which of them will give unsymmetrical breaking. So symmetrical breaking kisse hoega? Bulky amines se tertiary amines se. Unsymmetrical breaking, ammonia and smaller amines, primary and secondary amines generally give एक unsymmetrical breaking. Clear hai ye? Yes, sir. नोट कर लो ये जल्दी से। सर बोलो। सर ये ब्रेकिंग कोई मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मैकेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे सिंपली सोचो कि B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बेस विल अटैक ऑन बोरोन एंड B2H6 विल सेपरेट। ओके ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिसमें हम मैकेनिज्म को जनरलाइज कर सकते हैं, मैकेनिज्म वहां स्टडी करते हैं जहां पे बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस और उनके उससे रिलेटेड स्टडी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैकेनिज्म खुद से बहुत सारे मैकेनिज्म सोच सकते हैं, पर जिसके बारे में कोई स्टडीड नहीं है तो मैकेनिज्म के बारे में कुछ बोलना डिफिकल्ट है। वन पॉसिबल रीजन फॉर अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग विल बी, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग में देखो दोनों बेस के यूनिट्स एक ही बोरोन से अटैच होते हैं, BH2 NH3 hold 2, both ammonia gets bonded to same boron. और सिमेट्रिकल ब्रेकिंग में both base will be bonded to different boron atoms. तो अगर बल्की बेस है, लार्जर बेस, तो एक सिंगल बोरोन पे दो अलग अलग बेस अटैच नहीं हो सकता है, इन सच केसेस वी गेट अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, और स्मॉलर बेसिस में अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग आएगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर।
टर्न करूं पेज अभी। यस सर। B2H6 with ammonia at around 200 degrees Celsius results in formation of borazine or borazole or inorganic benzene. They are different names to the same compound. And when heated with excess ammonia at temperatures greater than 200 degrees Celsius, it forms borazone, which is also written as BN whole X. And this borazone has a graphite-like structure. Also important is reaction with other bases such as carbonyl, carbon monoxide, PR3 or pyridine. Carbonyl and pyridine give symmetrical breaking, whereas trialkyl phosphines give unsymmetrical breaking. ठीक है, नोट कर लो ये. This completes boron and its compounds. ठीक है, next lecture में we'll discuss about aluminium and some compounds of aluminium. Aluminium ज्यादा बड़ा नहीं है. Next lecture में aluminium खत्म करके हम group 14 start करेंगे. ये कंप्लीट करने के बाद थोड़े डाउट्स ले लेता हूँ मैं, एस ब्लॉक के जो डाउट्स पूछने हैं जिसको. ठीक है, आज और थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा इसके बाद में. हो गया अभी? नो सर, एक सेकंड. जिनको लीव करना है दे कैन लीव, डोंट वरी. जिनके एस ब्लॉक के डाउट्स हो गए हैं, दोज़ हू वांट टू लीव दे कैन लीव. The action with all other bases we are discussing at room temperature only. Okay, only reaction with ammonia we have discussed at different temperatures. ठीक है, बाकी सारे bases के साथ reaction हमने room temperature पे ही किया.
बुकलेट में कौन से एक्सरसाइज में डाउट है? HA1 और HA2 कर लिया था ना? गेट इक्विप। चलो गेट इक्विप के डाउट्स कर लेते हैं। बोल क्या डाउट है गेट इक्विप में? सर 7-8 कराया तो है भाई। पोटेशियम बाइकार्बोनेट में बाइकार्बोनेट आयंस एग्जिस्ट एज अ डाइमर, सोडियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 7 कराया है ना? ये एक्टिविटी ऑफ सोडियम वाला क्वेश्चन है ना 7? नहीं सॉरी सॉरी, गेट इक्विप, गेट इक्विप के पहले वाला, सॉरी गेट इक्विप आईटीजेई के पहले वाला एक्सरसाइज। हां हां वही कर रहा हूं, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है भाई, रीड कर। HA2 का बोल रहा है वो, HA2 का बोल रहा है सर, सॉरी एक्चुअली मेरे पास वो प्रिंट आउट बराबर नहीं है। EDTA इज यूज्ड इन द एस्टीमेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एप्लीकेशंस में क्या, इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस एज वेल एज एस्टीमेट हार्डनेस। EDTA इज यूज्ड फॉर एस्टीमेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सर 22 HA2 का 22। For which of the following option product does not match corresponding to the reactants? A option Al4C3 के hydrolysis से CH4 बनता है। Carbon के oxidation number से product predict करो। Carbon का oxidation number -4 आएगा, तो product CH4 बनेगा। और 23 भी। 23 में air से heat करने पे compound बन रहा है, फिर hydrolysis से compound B बन रहा है, which gives white fumes with HCl. The compound B is ammonia because ammonia gives white fumes with HCl. और A के hydrolysis से ammonia बन रहा है, तो A is a nitride. और nitride कैसे बनता है? Nitrogen के reaction से. तो कौन सा metal nitrogen से react करता है? Except alkali metals, मतलब except sodium, potassium, rubidium, cesium. Lithium react करता है, sodium, potassium, rubidium, cesium नहीं करता है. तो group 1 में, group 1 metals do not react with nitrogen except lithium. तो ग्रुप वन एलिमेंट्स हटा दो, बाकी सारे मेटल्स नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे हीटिंग पे। तो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तीनों रिएक्ट करेगा। बी ऑप्शन में पोटेशियम दिया, पोटेशियम विल नॉट रिएक्ट, इसलिए बी नहीं आएगा। सी ऑप्शन में सोडियम और पोटेशियम दिया हुआ है, विच विल नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, सी नहीं आएगा। डी ऑप्शन में भी सोडियम और पोटेशियम है, इसलिए आंसर केवल ए आएगा। ठीक है, ओके। सो 27 Mg2 plus has a polarizing power close to Li plus. They have a diagonal relationship. They have similar polarizing powers. Sir, get equipped to B. Question number 3. NaNO2 when heated with sodium gives sodium oxide. Ye some other important points mein maine reactions likha hai alkali metals ke end mein. NaNO2 aur NaNO3 dono ko sodium ke saath heat karoge to sodium oxide banega. Reactivity of sodium with water is more than that of lithium because of lower melting point of sodium. Because of lower melting point, it melts due to the heat produced and the molten metal has a greater contact area with water, resulting in more reaction. It is because of lower melting point of sodium. Okay? Sure. Sir, hydration energy ka kuch farak nahi padta. Hydration energy से E0 value is more negative for lithium, but which reacts faster? Sodium reacts faster. Okay. And एक minute sir. Sir 11th का B वाले में doubt है. और कोई कुछ बोल रहा है? Sir 9th में doubt है. 50% H2SO4 क्या होता है? मतलब उसमें H2O. Concentrated H2SO4. Actually 50% H2SO4 refers to concentrated H2SO4. अच्छा, और इलेक्ट्रोलिसिस से H2S2O8 बनता है। सर 11th नेक्स्ट बुबरत कौन सा? 11th मोर देन, हाँ ठीक है, वन और मोर का 11th का बी। अमंग अल्कली मेटल्स लिथियम हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किया तो है ना भाई, ये टॉप टू बॉटम एज द साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस the metallic bond becomes weaker, the melting point and boiling point decreases. Sir, मैंने गलत read किया है. और sir, एक मिनट. Sir, आप ये वाला बता बोलो. एक second. बुबरत कोई और भी कुछ बोल रहा है. बुबरत रुक जा.
किसी और को कोई डाउट है? ठीक है भूमृत बोल तू। पैसेज वन का डी सॉरी थ्री वाला। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर एटम इन कंपाउंड डी, एक मिनट रुको, पहले Na2CO3 बना, फिर Na2SO3 बना, फिर Na2S2O3 बनेगा। Na2S2O3, Na2S2O3 में एक सल्फर का माइनस टू है, दूसरे सल्फर का प्लस सिक्स, माइनस टू एंड प्लस सिक्स। क्या सर? माइनस टू एंड प्लस सिक्स। सर आप बता सकते हो? क्या बताऊं भाई, वो वही ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू एंड प्लस सिक्स। क्या वही वो एक्स लेके वेरिएबल वाला मेथड से करना है ना? नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल मेथड से इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं निकाल सकते, स्ट्रक्चर से निकालना पड़ता है। एक्स वाले मेथड से तो हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर से निकालना पड़ेगा। फॉर अ डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे, ये वाला सल्फर sp2 है, ये वाला सल्फर sp3 है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर sp2 सल्फर हो गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे -2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे +2। डबल बॉन्ड है तो -2 +2 रखेंगे, सिंगल बॉन्ड पे -1 +1 -1 +1। तो टोटल चार्ज ऑन द सेंट्रल सल्फर एटम कम्स आउट टू बी +6, टोटल चार्ज ऑन दिस सल्फर एटम कम्स आउट टू बी -2। सर और पैसेज 2 में, पैसेज 2 में ना इन्होंने एंड में दिया है कि डीप रेड कलरेशन, पर हमने नोट्स में तो स्ट्रोंटियम के लिए कुछ और कलर लिखा, मतलब स्ट्रोंटियम का क्रिम्सन रेड और कैल्शियम का ब्रिक रेड। आई थिंक इसका आंसर कैल्शियम आएगा। नहीं, क्योंकि लास्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट रिएक्शन है कैल्शियम ऑन हीटिंग विद कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग विद कार्बन विल गिव कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से C2H2 बनता है, विच ऑन पासिंग थ्रू अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। आंसर सी ए होना चाहिए। सेकंड का क्या आंसर दिया है? जी, सॉल्यूशन जी कॉजेस कंटेन्स अ सॉल्ट। एक सेकंड रुको, सॉल्यूशन जी क्या है मुझे देखने दो एक बार। सी है, सॉल्यूशन वन का बी आएगा, फिर जी इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट कॉजेस टेम्पररी हार्डनेस, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट, तो टू एंड थ्री आएगा। तो टू का टू एंड थ्री यानी सी ऑप्शन, टू का सी आ जाएगा और थ्री का ए आ जाएगा। ओके सर, फिलहाल तो इतना ही सर। और किसी को कोई डाउट है? पैसेज फाइव में, पैसेज फाइव में ए एक्वस प्लस जिंक गिव्स अ गैस, आई थिंक ए इज NaOH, NaOH प्लस सी गिव्स PH3, सी इज फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, Aqueous plus NH4Cl gives ammonia gas, D is ammonia, A is NaOH, B is hydrogen gas, C is white phosphorus and D is ammonia. ठीक है? तो सर हो गए। सर C का पता ना वापस एक बार। देख NaOH plus NH4Cl, it results in displacement reaction produces NH4OH which decomposes to give NH3 and NH2. C, white phosphorus ke sath NaOH ka disproportionation. It's not that PH3 is the only product, it also gives NH2PO2. Step up mein abhi S block ka game khel lo, step up mein P block uske baad khelna, P block mat khelo abhi kyunki P block just start hua hai. P block ka actually different games hoga, to P block 13, 14, P block 15, 16. पर देख लो, आई थिंक पी ब्लॉक में हर ग्रुप का अलग गेम है, पी ब्लॉक 13, पी ब्लॉक 14, तो स्टेप अप में अलग से पी ब्लॉक 13 का खेल सकते हो। पी ब्लॉक 13 है, बस एल्युमिनियम बचा है, ठीक है, पी ब्लॉक 13 कर सकते हो एक बार, बट यू कैन प्ले द गेम ऑफ एस ब्लॉक एटलीस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, लेक्चर एंड करता हूँ अभी। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you.